हेलो गाइस, काफ़ी अच्छी अपडेट आ चुकी है। भारत के सभी विद्यार्थियों के लिए एक और नई वैकेंसी आप लोग कर सकते हैं। 7वीं से 10वीं, 10वीं से ग्रेजुएशन और ग्रेजुएशन से पोस्ट ग्रेजुएशन वाले विद्यार्थी पास आउट हैं तो भारत की अलग अलग वैकेंसीज पे नौकरी कर सकते हैं। जी हाँ, काफ़ी अच्छी अपडेट है। मैं बात करूँ तो रक्षा मंत्रालय द्वारा नई वैकेंसीज निकाली हुई हैं और ये ऑनलाइन एप्लीकेशन होगा। ऑनलाइन किस तरीके से करना है, इन सारी चीज़ों की बात आज आप लोगों के साथ शेयर करने वाले हैं। पोस्टों की संख्या बात की जाए या फिर जनरल एससी एसटी ओबीसी इन कैटेगरीज की बात करें तो यहाँ पे आप लोग देख सकते हैं और 41,000 या 38,000 या इससे अधिकतम आप लोग सैलरी कमा सकते हैं। जी हाँ, इसमें कई ऐसी पद हैं जैसे कि चपरासी हुआ, कुकमैन हुआ और कई ऐसे अन्य पद हैं जिसमें आप लोग आवेदन करके एक अच्छी नौकरी प्राप्त कर सकते हैं। इसमें ड्राइवर होगा, क्लर्क होगा, हेल्पर होगा, नर्स होगा, लैब असिस्टेंट होने वाले हैं और कई ऐसी अन्य पद हैं जिनमें आप लोग आवेदन करके एक अच्छी नौकरी करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। आवेदन प्रक्रिया के बारे में भी अपन बात करेंगे। यहीं से आप लोग अपन आवेदन करेंगे अप्लाई करके और एप्लीकेशन फ़ीस, क्वालिफिकेशन, इन सारी चीज़ों की जानकारी अपन पहले यहाँ से विज्ञापन के साथ ले लेते हैं। यानी कि विज्ञापन की बात करें तो एक पूरा करीबन 135 पेज का विज्ञापन है और इसके अंदर आप लोगों को आवेदन करने के लिए ये जानकारी लेनी होगी। जैसे कि रक्षा मंत्रालय भर्ती 2023 की 7वीं पास और 10वीं पास से लेकर ग्रेजुएशन और ग्रेजुएशन लेकर पोस्ट ग्रेजुएशन के लिए बम्पर वैकेंसी आ चुकी है। रक्षा मंत्रालय के तहत आने वाले पुणे कंटेनर बोर्ड के अनुसार 34 तरह के पदों पर बम्पर वैकेंसी निकाली गई है। इन विभिन्न पदों के लिए अलग अलग योग्यता मांगी गई है। जैसे कि बात करें तो 7वीं पास से लेकर 10वीं पास तक रक्षा मंत्रालय के तहत आने वाले पुणे कंटेनर में 34 पदों पर भर्ती बम्पर भर्ती होने वाली है। इसमें बात की जाए तो दोस्तों 10वीं बीटेक पोस्ट ग्रेजुएशन फिर साधारण ग्रेजुएशन आवेदन कर सकते हैं इच्छुक उम्मीदवार। 4 अप्रैल तक आप लोग आवेदन कर सकते हैं। आवेदन करने के लिए जैसे कि बात करें कंप्यूटर प्रोग्राम वर्क्स जो फायर है, असिस्टेंट है, डिफेंस है, ड्रिक्स ड्राइवर्स, जूनियर क्लर्क, हेल्पर और लैब असिस्टेंट और लेजर क्लर्क, चपरासी, स्टोर कूली, चौकीदार, सहायक चिकित्सा या फिर फीडर, ये सब के लिए यहाँ पे होने वाली है। तो करीबन ये 34 ऐसे पद दे रखे हैं जिसमें आप लोग आवेदन करेंगे। मैं बात करूं तो दोस्तों इसमें एक एक पोस्ट के लिए अलग अलग क्वालिफिकेशन और एक एक पद सबके लिए निर्धारित होगा। जैसे कि कई पोस्ट के लिए 7वीं पास होगा, जैसे चपरासी रहने वाले हो जिसके लिए 7वीं पास होगा, अब आप ड्राइवर रहने वाले हो तो 10वीं पास होगा, जूनियर क्लर्क रहने वाले हो तो इसमें ग्रेजुएशन रहने वाला है, हेल्थ सुपरवाइजर की बात करें तो पास ग्रेजुएशन होना जरूरी है, लैब असिस्टेंट की बात करें तो 10वीं 12वीं पास होना जरूरी है, इसमें क्लर्क या नर्सिंग या फिर स्टोर कीपर की बात करें या वॉचमैन की बात करें या फीडर के लिए आईटीआई की बात की जाए तो इन सब की चीज़ें यहाँ पे जरूरी होगी। तो दोस्तों काफ़ी अच्छी पोस्ट है। एप्लीकेशन की बात अपन करें, पोस्ट तो आई होप की क्लियर हो चुकी होगी। यहाँ पर देखते हैं आगे और चीज़ों के बारे में। इस एप्लीकेशन के लिए ऑफलाइन अप्लाई कर सकते हैं। यहाँ पर देखिएगा एप्लीकेशन हैड बी नॉट ईमेल या एक्सेप्टेड, ये चीज़ें एक्सेप्टेड नहीं की जाएगी। इसमें बात की जाए 21 से 35 तक के विद्यार्थी आवेदन कर सकते हैं। मिनिमम 35, 33, 30 वर्ष तक की आयु इसमें निर्धारित हो चुकी है। अब यहाँ पे देखें एप्लीकेशन फ़ीस की बात करें तो यहाँ पे देखेगा जर्नल ओबीसी कैटेगरीज के लिए 600 रुपये जबकि एससी एसटी कैटेगरीज के लिए 400 रुपये एप्लीकेशन फ़ीस देनी होगी। अब इसके बाद आप लोगों का किस तरीके से सिलेक्शन होगा उसकी अपन यहाँ पे बात करें तो आपको बता दें सिलेक्ट टेस्ट होगा, फॉर्म भरने के बाद रिटर्न टेस्ट आप लोगों को देना होगा, डेट और टाइम आप लोगों को इसके ऑफिशियल साइट पर मिलेगी। अब इसकी जॉब लोकेशन की बात करें तो दोस्तों पुणे से निकली हुई वैकेंसी है, पुणे कोड के अनुसार आप लोगों जो मिलेगी और वहीं से निकला हुआ विज्ञापन है। अब अपन सीधा चलते हैं आवेदन प्रक्रिया के बारे में क्योंकि विज्ञापन की काफी चीजें मैंने आप लोगों के साथ क्लियर की है और आई होप कि आप लोग काफी हद तक ये चीजें समझ चुके होंगे। अब यहाँ पे देखें आवेदन करने के लिए वेरीफाई आप लोगों को करना होगा, आपका ईमेल और मोबाइल नंबर आप लोगों को यहाँ पे डालना होगा।
अगर ये चीज़ें हैं तो आप यहाँ से सबमिट कर सकते हैं। तो आई होप कि ये सारी चीज़ें आप लोग समझ चुके होंगे। तो दोस्तों छोटे से वीडियो में छोटी सी जानकारी दी है, दसवीं पास हो, आईटीआई हो, आईटीआई के साथ डिप्लोमा हो, या फिर डिप्लोमा के साथ आठवीं, दसवीं, सातवीं, कोई सी भी क्वालिफिकेशन हो, तो आप ऐसे कई पदों पर आवेदन कर सकते हैं। तो दोस्तों छोटा सा वीडियो अगर अच्छा लगा तो लाइक करें, शेयर करें। थैंक यू। जय हिंद।